दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये जो है कुछ तो लग रहा होगा लाल पत्थर के जैसा, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जो है अल्मीनियम के लिए जो निकालने के लिए जो खादान से निकलता है बॉक्साइट है। ये जो देख रहे हैं पूरा ढेर का ढेर सामने पत्थर के रूप में, ये सब जो है ये बॉक्साइट है, इसी से अल्मीनियम निकलता है। यहाँ समीप में जो है लोहरदगा जिला जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आसपास में खदान है, ये खदान से ला करके यहाँ पर रेलवे, ये जो है टोरी स्टेशन है, टोरी जंक्शन, यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। और इस फिर ये जो है इस गाड़ी से यहाँ से जो है जहाँ पर भी अल्मीनियम का निष्कासन होता है वहाँ पर इसको ले जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप ये इसी से अल्मीनियम बनता है। तो ये जो ढेर है पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये पूरा जो है बॉक्साइट है, ये क्षेत्र में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस रूप से खुले रूप में बॉक्साइट को देखना थोड़ा अलग लगता है। होता अक्सर क्या है कि चीज़ों को हम लोग जानते हैं पढ़ते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का मौका नहीं मिलता है। तो अक्सर जो है झारखंड में या वैसे क्षेत्र जहाँ पर जो चीज़ मिलता है अयस्क हो या उसका, तो ये सब जो गाड़ियाँ हैं कई सारी जगह आप देखते होंगे झारखंड में कि कोयला रखा रहता है। इसी लाइन में अगर आप जाइएगा आगे तो पतरातू और भुरकुंडा दो जगह है वहाँ पर जो है कोयला आपको रहेगा। लेकिन कोयला देखने के लिए किसी के मन में कोई विशेष उत्साह नहीं रहता है कि हम कोयला देखें, लेकिन ये चूँकि बॉक्साइट है और इस रूप में है कई लोग अपने घरों में इसका जो है घेरा बना, जैसे हम लोग दीवार बनाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं जहाँ पर खाद्यान्न वहाँ पर इसी का उठा उठा के इसको दीवार के रूप में पत्थर को लगा दिए हैं ताकि जो है वो बन जाए। लेकिन है ये मुझका बॉक्साइट है। अक्सर जो है केमिस्ट्री के लैब में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं। और कलकत्ता का जो इंडियन संग्रहालय है, जब मैं वहाँ गया तो उन चीज़ों को देखा जो न तो ज्योग्राफी के क्लास में मैंने देखा था उसको प्रत्यक्ष रूप से, न केमिस्ट्री के क्लास में। तो ये बड़ा अच्छा है कि चीज़ों को, हाँ लोग बेचैन रहते हैं खुले रूप में सोना देखने के लिए, खुले रूप में हीरा ये अलग बात है, ये जी है जल्दी खुले रूप में दिखता नहीं है इसे थोड़ा है, क्योंकि अभी दामोदर नदी का उत्पत्ति जो उद्गम स्थल है वहाँ जाना है। रास्ते में दिख गया तो मुझे मालूम था, लगा कि एक लाइव कर देते हैं, बैटरी कम है फिर भी है कि अब जो है एक लाइव ही एक चीज़ है, प्रत्यक्ष अनुभव तो बन गया। ठीक है प्रमोद सर, अब अगर वहाँ नेट चलेगा तो दामोदर नदी को देखिएगा जहाँ से निकलती है, वो एक प्रमुख नदी है झारखंड और बंगाल का, क्योंकि बिहार बंगाल जब एक था हिंडाल्को, क्योंकि हिंडाल्को जो है अल्मीनियम से जुड़ा वो कंपनी है, तो उसके द्वारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है बाल्को और हिंडाल्को, याद है बहुत साल पहले संसद में बवाल मच गया था कंपनी के वो शेयर के मामले में, भुवनेश्वर का जो प्लांट और हिंडाल्को का वाजपेयी जी के समय में। ठीक है दोस्तों, बाय।